एक्सक्यूज मी, मोनेस्ट्री जाने का यही रास्ता है क्या? मोनेस्ट्री, थैंक यू। मैं बोमदिला मोनेस्ट्री के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस मठ में सबसे पहले मेरा ध्यान यहाँ के रंगों ने अपनी ओर खींचा। यहाँ के रंग बिरंगे दीवारों को देख करके ऐसा लगता है कि किसी ने दुनिया के जितने सारे रंग हैं उन्हें यहाँ की दीवारों में उकेर दिया हो। उस पूरे माहौल में एक ठहराव सी थी, लेकिन उस ठहराव में नीरसता नहीं थी। इस जगह में एक ऐसी ऊर्जा थी जो पवन के झोंकों के रूप में उभर करके बाहर आ रही थी। दूसरी मठों की तरह आपको यहाँ पर भी पुस्तकालय, स्कूल और यहाँ के भिक्षुओं के रहने के लिए हॉस्टल इत्यादि मिल जाएंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको एक मीठा मीठा सा अनुभव होता है। इस अनुभूति को समझाया नहीं जा सकता, केवल इसका अनुभव किया जा सकता है। तो चलिए इस मोनेस्ट्री के बारे में भी मैं आपको कुछ बता दूं। तिब्बत में एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम शोना कोनसे मोनेस्ट्री है। यह मोनेस्ट्री उसी के तर्ज पर बनाया गया है और इस मोनेस्ट्री का असली नाम गेंसे गादेन राबगियल लेंग मोनेस्ट्री है। जी हाँ, यह थोड़ा सा पेचीदा नाम है। इस मठ का पुनर्निर्माण 14वें दलाई लामा ने 1997 में कराया था और इसकी रूपरेखा तो देखते ही बनती है। मैं इस मठ में बिल्कुल सुबह सुबह पहुंच गया था और इसकी वजह से मुझे एक फ़ायदा भी हुआ। जब मैं इस मठ में पहुंचा तो वहां बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और इस वजह से मुझे एकांत में समय बिताने का थोड़ा सा मौका मिला। मठ के अंदर बने हुए इस प्रार्थना कक्ष को दुखांग कहा जाता है। इसी तरह का एक दुखांग तवांग मोनेस्ट्री में भी है। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। यहाँ के भिक्षु महायाना विचारधारा का पालन करते हैं और एक सादा जीवन व्यतीत करते हैं। इस मठ को देख करके ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक छोटी सी दुनिया बसा दी गई हो। हम टूरिस्टों के लिए यह बस एक चेकलिस्ट में टिक की तरह होता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए और यहाँ के मॉन्क्स के लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये उनकी आस्था, उनके अध्ययन और उनके जीवन का केंद्र है। यह मोनेस्ट्री बोमदिला शहर के ऊपर बसा हुआ है, इसीलिए इसे अपर गुंपा भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही भव्य और आकर्षक मठ है जिसमें आपको शांति का अनुभव होता है। इस मठ के छोटे से छोटे कोने में आपको बहुत ही मेहनत से तराशे गए चीज़ें दिखेंगी और यहाँ के वास्तुशिल्प को देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस जगह से निकलने के बाद मुझे एक अलग ही ताजगी का एहसास हुआ। इस जगह ने यह याद दिलाया कि जिंदगी उतनी ही ज्यादा भाग दौड़ बड़ी होती है जितनी ज्यादा हम उसे बनाते हैं। कभी रफ्तार को धीमा करना भी आवश्यक है, चाहे कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में कभी कभी थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकाल लेना चाहिए। तो इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।